भारतीय विद्यापीठ स्कूल बैजनाथ के 5 विद्यार्थियों ने 10वीं के बोर्ड परीक्षा के परिणाम में मेरिट में आने पर न केवल स्कूल व क्षेत्र बल्कि पूरे प्रदेश में अपना लोहा मनवाया है। एक ही स्कूल के 5 छात्रों में मन्नत राणा ने 688 अंक लेकर प्रदेश में चौथा स्थान, कृतिका ठाकुर ने 687 अंक लेकर पांचवा स्थान, अक्षिता शर्मा ने 686 अंक लेकर छठा स्थान, दिशा शर्मा ने 665 अंक लेकर सातवां स्थान तथा आदित्य ने 682 अंक लेकर प्रदेश में 10वां स्थान प्राप्त किया है। पांच बच्चों का मेरिट में आना स्कूल में दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता को दर्शाता है, साथ ही छात्रों के द्वारा किया गया परिश्रम भी उन्हें इस मुकाम पर पहुंचने में सहायक सिद्ध हुआ है। गौरतलब है कि ये स्कूल पिछले कई वर्षों से लगातार बोर्ड की दोनों 10वीं व जमा 2 परीक्षा की मेरिट सूची में अपना स्थान हासिल करता आ रहा है। इसी माह 22 अप्रैल को घोषित हुए जमा 2 विज्ञान संकाय में मेरिट में आकर क्षेत्र व स्कूल का नाम रोशन किया था। हमीरपुर जिला के 3 ननिहालों ने स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में टॉप किया है। मेरिट लिस्ट में पूरे प्रदेश भर में पहले स्थान पर गीतांजलि पब्लिक स्कूल धनेटा के अथर्व ने पूरे जिला का नाम रोशन किया है। इसके साथ ही इसी स्कूल के साक्षी ने दूसरा और कोमल धीमान ने सातवां स्थान हासिल किया है। स्कूल के 3-3 छात्रों के मेरिट लिस्ट में आने पर स्कूल में खुशी का माहौल बन गया है और स्कूल में मिठाई बांटकर स्कूल प्रबंधक बीएल चड्डा ने बच्चों के मेरिट लिस्ट में आने पर कहा कि इस तरह का समय जिंदगी में कभी कभी आता है और बच्चों को दी गई बेहतर शिक्षा के बलबूते पर ही आज बेहतर परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने बच्चों के माता पिता और अध्यापकों को बधाई दी। पूरे प्रदेश भर में पहले स्थान पर आने वाले अथर्व ने कहा कि अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने अध्यापकों और अभिभावकों को देता हूं। उन्होंने बताया कि पढ़ाई के लिए 12 से 13 घंटे पढ़ाई करते थे और इस बार टॉप आने की उम्मीद ज्यादा नहीं थी। उन्होंने बताया कि पढ़ाई करके वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के द्वारा 10वीं के घोषित परिणामों में जिला बिलासपुर के ध्रुव शर्मा ने पूरे हिमाचल प्रदेश में दूसरे स्थान पर आए हैं, जबकि विश्रुत ठाकुर और रक्षित हिमाचल प्रदेश में सातवें स्थान पर आए हैं। इन छात्रों ने अपने क्षेत्र, विद्यालय, माता पिता और गुरुओं का नाम रोशन किया है। दूसरे स्थान पर आने वाला ध्रुव शर्मा बिलासपुर के सरस्वती विद्या मंदिर उच्च पाठशाला नमोहल का छात्र है और प्लस वन में मिनर्वा स्कूल गुमारवी में शिक्षा ग्रहण कर रहा है। ध्रुव ने बताया कि वे अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों और माता पिता को देना चाहता है और वे भविष्य में IAS ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना चाहता है। ध्रुव शर्मा ने बताया कि उसके पिता मैथ के टीचर हैं और माता भी हिंदी की टीचर हैं। जबकि विश्रुत ठाकुर के पिता बिलासपुर कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और माता भी रघुनाथपुरा में हिंदी की लेक्चरर हैं। ये भी पर्यावरण के क्षेत्र में काम करना चाहता है। जबकि भराड़ी उप तहसील के सरस्वती विद्या मंदिर बटेड़ के गतवाड़ गांव के रक्षित ने 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में सातवां स्थान प्राप्त कर अपने माता पिता, गुरुजनों, विद्यालय व क्षेत्र का नाम रोशन किया है। कुल प्रधानाचार्य योगराज शर्मा ने बताया कि रक्षित शुरू से ही कुशाग्र बुद्धि का छात्र रहा है। पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय की हर गतिविधि, जिसमें सांस्कृतिक गतिविधियों से लेकर खेल गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेता रहा है। उन्होंने बताया कि रक्षित ने कक्षा नर्सरी से अब तक की पढ़ाई सरस्वती विद्या मंदिर बटेड़ से ही प्राप्त की है और आज हर्ष हो रहा है कि रक्षित अध्यापकों व माता पिता की मेहनत से आज मेरिट सूची में अपना नाम दर्ज करवाया है। रक्षित के पिता भूपचंद स्वास्थ्य विभाग में डेंटल मैकेनिक्स के पद पर नालागढ़ में कार्यरत हैं। वो माता अंजना गृहिणी है। रक्षित NDA में लेफ्टिनेंट बनकर देश
सेवा करना चाहता है। आजादी के लगभग 70 साल बीतने के बावजूद पंचायत नागवाड़ी के तहत गांव चरोड़ी के लोगों को आज तक सड़क नसीब नहीं हो पाई है। इस गांव में गंभीर रूप से बीमार मरीजों को चारपाई पर उठाकर सड़क तक लाना पड़ता है। सन 2015 और 16 में विधायक प्राथमिकता के तहत इस सड़क को बनाए जाने की योजना संबंधित विभाग को भेजी गई थी। एक तरफ रेल लाइन तथा गांव से मुख्य सड़क तक के बीच की जगह पर वन विभाग को तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ा तथा सड़क अस्तित्व में आने से रह गई। चरोड़ी गांव में लगभग 80 घर हैं और लगभग 500 लोग रहते हैं। अनीता देवी महिला मंडल की प्रधान जगदीश चंद, सलीमा बोधराज, राजेश कुमार, तिलकराज ने बताया कि आजादी के 70 वर्ष बाद भी लोग सड़क सुविधा से वंचित हैं। इस आधुनिक युग में भी इस गांव में बीमार व बुजुर्ग लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए चारपाई में डालकर लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया जाता है। गाँव वाला का कहना है कि जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, तब विभाग वाले भी आते हैं और दीवारों पर नंबर लगाते हैं, परंतु चुनाव हो जाने के बाद कुछ नहीं होता है। इस बार पूरा गांव किसी भी राजनीतिक दल को वोट नहीं देगा, पूर्ण रूप से वोट का बहिष्कार किया जाएगा और काले झंडे लेकर पोलिंग बूथ पर बैठेंगे। गांव के लोगों का कहना है कि स्कूल के आगे अभी लगभग 15 दिन हुए टाइल डाले, जो कि अभी से उखड़ना शुरू हो गई है। ऐसा लगता है कि टाइल में सीमेंट नाम की कोई भी चीज नहीं लगी है।